क्या बात है, मुझे यकीन है कि आपने पहचान लिया होगा कि ये गाना कौन सा था। उस गाने पर बात करें उससे पहले उस बहस की चर्चा करते हैं जो अक्सर होती है। आपने भी ज़रूर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए कि पुराने ज़माने के गाने बहुत बेहतरीन होते थे, उन गानों का एक मतलब होता था, उनके गीतकार, उनके संगीतकार सब कुछ कुछ अलग किस्म के होते थे, महान होते थे, और अब वैसे गाने नहीं बनते। लेकिन क्या ये बात 100% सच है? नहीं, ये बात 100% सच इसलिए नहीं है क्योंकि अब भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ गाने ऐसे ज़रूर बनते हैं जो बरसों बरस याद रह जाते हैं, आपके कानों में बजते रहते हैं। ऐसा ही एक गाना, आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे, फिल्म थी जब वी मेट, संगीत था प्रीतम का, गाया रामपुर सहसवा घराने के मशहूर कलाकार उस्ताद राशिद खान साहब ने। और अभी जिन्होंने इस गाने में जो बांसुरी का पीस था जिन्होंने बजाया, वह हैं उस्ताद मुजतबा खान साहब। सबसे पहले तो आपका स्वागत है रागगिरी के लिए, आपने समय निकाला। थैंक यू सर। ये बहस बहुत होती है कि पहले बड़ा अच्छा संगीत था और अब संगीत बहुत ही खराब हो गया है, लेकिन आप भी मानते होंगे कि अभी भी कुछ संगीत तो ऐसा ज़रूर बन रहा है जो कानों में हमेशा मिठास घोलता रहता है। जी जी जी। नहीं देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आज अच्छा म्यूज़िक नहीं बन रहा है, या क्या कहते हैं, जैसे पहले मेलोडियस गाने होते थे वैसे आज नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि पहले मेलोडी पे ही काम होता था। बिल्कुल। अभी प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो परिवर्तन तो आएगा, परिवर्तन तो कुछ होगा, लेकिन हम ये कहना शुरू कर दें कि पहले के रात में कालीपन थी, आज के नहीं है, आज का दिन उजाला है, ऐसा नहीं है। रात दिन समय सब वही है, लेकिन जो प्रकृति ने परिवर्तन किया हुआ है तो कुछ ना कुछ बदलेगा ही। लेकिन उसके बावजूद इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियन आज हैं, आज कई चीज़ें ऐसी सुनने को मिलती है जो आप पहले ख्वाबों में, ख्यालों में नहीं सोच सकते थे। आज इतने अच्छे कलाकार हैं, छोटे छोटे बच्चे को आप देखिए, आजकल जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं सारे, उसमें लगता है कि ये सीखा कब इसने, बिल्कुल है ना। तो संगीत तो वैसा ही है, लेकिन हाँ कुछ कम कुछ ज़्यादा ये बात ज़रूर है, ट्रेंड चेंज हुआ है। ट्रेंड चेंज हुआ है। जी जी। एक सवाल बहुत स्वाभाविक सा मेरे मन में आ रहा है कि हम आम जो संगीत प्रेमी हैं या जो लोग फिल्में देखने जाते हैं, वो ये तो जान जाते हैं कि स्क्रीन पर ये फलां और एक्ट्रेस और फलां हीरो का नाम है, संगीतकार का नाम भी पता चल जाता है, गीतकार का नाम भी आता है, लेकिन हम ये नहीं जान पाते कि साथ में उस गाने की जो लोकप्रियता थी या पॉपुलैरिटी थी, उसमें बांसुरी किसने बजाई थी या हारमोनियम किसने बजाया था या तबला किसने बजाया था। आपने इसके अलावा भी कई फिल्मों में बजाया है। जी जी जी। गदर में आपने बजाया है और वो उत्तम जी आपको बहुत मानते थे, उन्होंने पटियाला में आपका एक कार्यक्रम देखा था। क्या थी वो कहानी और जरा गदर में क्या बजाया आपने, वो भी बजा के दिखाइए। एक्चुअली क्या है, उत्तम जी बहुत ही खुद बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, और वो बहुत प्रमोट करते हैं अच्छे कलाकारों को। तो मेरी जब भी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मुस्तफा जी आपको मेरी फिल्मों में बजाना है। बिल्कुल। तो ये बड़ा सुखद मेरे लिए रहा कि उस मूवी में जो बैकग्राउंड भी है या जितना कुछ है वो मुझे बजाने का मौका मिला। तो हम साथ में, ऐसा भी हुआ काफ़ी दिनों के बाद, कुछ दिनों की पहले की बात है, कि चैरिटी के लिए हमने रोटरी क्लब का प्रोग्राम किया था, उसके प्रेसिडेंट हमारे फ्रेंड थे महेंद्र बाबू शास्त्री। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य में हुआ था, 18 लाख रुपए उसमें चैरिटी आया था। तो रोटरी ने बड़ा अच्छा काम किया, तो चीफ गेस्ट थे हमारे उत्तम सिंह जी, तो मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बांसुरी सम्राट का अवार्ड भी दिया था मुझे। तो मैं बहुत ऋणी उनका, उत्तम सिंह जी, जब भी मैं मुंबई में वक्त रहता तो हम साथ में काफ़ी समय भी बिताते हैं। तो एक गदर मूवी की बहुत प्रचलित सॉन्ग है, जी जी, मैं चाहता हूँ कि वो सुना। जरूर जरूर जरूर।
क्या बात। अच्छा संगीत सुनने का नुकसान ये होता है कि लालच बहुत आता है कि और सुना जाए। तो वो विरासत वाला जो गाना बहुत लोकप्रिय हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ, उसका भी आप ट्यून सुनाएं, उसमें जो बांसुरी का हिस्सा था, तो फिर हम आगे बातचीत को ले जाएं। पहले वो सुनाएं विरासत फिल्म में जो था। बात है हमारे इन खास कलाकार का एक परिचय आपने ये देख लिया कि फिल्मी जो बहुत सुपरहिट गाने हैं उनमें जो बांसुरी का पार्ट है वो आपने बजाया है। अब इनका एक दूसरा परिचय भी है। दूसरा परिचय इनका ये है कि ये खालिस जो शास्त्रीय संगीत है, यानी जो हमारा संगीत, जो हमारी मिट्टी का संगीत है, जो हमारी संगीत की जड़ें जहाँ पर हैं, वो संगीत तीन घराने से आप सीखते हुए आ रहे हैं। और इनके दादा मुंशी खां साहब जो थे, उनको 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 अगर देखा जाए और उनके बाद से लेकर अब तक, यानी लगभग लगभग 150-200 साल का समय मेरे ख्याल से हो गया होगा जिस समय में संगीत इनके परिवार में रहा है, ये परंपरा थोड़ा सा बताइए संक्षेप में कि कैसे आपने, आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, और कैसे आप तक आई। ये बड़ा रोचक है हमारे परिवार के लिए कि मेरा परिवार जमींदार परिवार था जी। गया से हम लोग बिलोंग करते हैं, बिहार से। तो स्टोन का बिजनेस था मेरे दादा का, ये जो ये सारे पुखराज ये सब होते हैं। तो उस्ताद फरजंद अली खां हुआ करते थे कलकत्ता के उस ज़माने में, दादा के ज़माने में। मेरे दादा को संगीत का काफ़ी शौक़ था, तो वो काफ़ी उस्ताद रहते थे, तो वो कई इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, जैसे बाबा अलाउद्दीन खां साहब थे, तो वो शहनाई भी बजाते थे, बांसुरी भी, क्लैरनेट भी कई। तो शहनाई बहुत पसंद था मेरे दादा को, तो उन्होंने शहनाई उनसे सीखा। फिर मेरे बड़े चाचा उस्ताद रहीम बख्श खां साहब, उस वक्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब से भी वो सीनियर थे। उसके बाद मेरे वालिद उस्ताद पीर बख्श, 1948 में जब पटना रेडियो खुला तो वो फाउंडर मेंबर थे मेरे पिताजी। मेरे चाचा जी उस्ताद फहीमुल्लाह खां साहब, मैं ये बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि भारत का पहला मुस्लिम परिवार मेरा परिवार है जो कि बांसुरी जो है। मैं पूछने वाला था ये बात, क्योंकि आजकल अक्सर बहुत सारी चीज़ों को धर्मों से जोड़ दिया जाता है, लेकिन जब मैं आपके बारे में सुन रहा था और आपके बारे में पढ़ रहा था तो मैंने ये बड़ा खूबसूरत एक तथ्य पाया कि आपका परिवार संभवतः भारत का एकलौता मुस्लिम परिवार है जो बांसुरी पहला पहला। अब तो एक दो लोग बजाने लगे हैं जी, हाँ, लेकिन मेरे चाचा जी ने वो शुरू किया था और बहुत ही बड़े कलाकार थे वो। उस्ताद फहीमुल्लाह खां साहब की खूबी ये थी उस ज़माने में कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक ही बांसुरी रखी, अच्छा, दूसरी बांसुरी रखी ही नहीं। और आप किसी भी स्केल से बजाइए, किसी भी हारमोनियम के पिच से बजाइए, वो एक ही बांसुरी रखा उन्होंने पूरी ज़िंदगी, और इसके लिए वो पूरे विश्वविख्यात थे और पूरे दुनिया में जाने जाते थे। बिस्मिल्लाह खान साहब तो मैंने सुना है, और सुना क्या है, उनको बोलते हुए भी सुना है, किसी तीसरे से नहीं सुना। वो तो डांट देते थे अगर कोई कहता था कि ये इस्लाम में तो मौसिकी हराम है, तो वो डांटते थे कि इस्लाम में मौसिकी हराम नहीं है, और वो किस्सा उनका बड़ा मशहूर है। खैर, तो जब आपका ये जो आपने भी थोड़ी देर पहले कहा, बड़ी दिलचस्प सा आपने एक टर्म यूज किया कि इल्मी से फिल्मी तक, तो ये इल्मी से फिल्मी जो आपका ट्रांजिशन रहा है, इसको कितना एंजॉय कर रहे हैं? मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। एक्चुअली है क्या कि आज जो ज़माना, मैंने पहले भी कहा है कि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, तो आपको कुछ नया देना पड़ेगा जी। उसके लिए ऐसा है कि पहले आपने कई किस्से, मैं सारे दुनिया को मालूम है लेकिन फिर भी बात करने से लोगों को पता चलता है कि बड़े गुलाम अली खान साहब जो है वो गाना नहीं चाहते थे फिल्मों में, उसको बहुत तुच्छ समझते थे। जबकि आज तो ज़माना यह है कि अगर फिल्म में कि कोई एक पीस भी बजा लिया तो वही बड़ा कलाकार है। हालांकि ये गलत है, ये सही नहीं है। कलाकार तो कलाकार है, वो चाहे कहीं भी कुछ भी बजाता गाता है, लेकिन ऑडियंस को जो एक जो ग्लैमर दिखती है, तो बॉलीवुड तो एक अलग दुनिया में है ही, तो हमारी भी मजबूरियाँ हो जाती हैं। तो लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ
कि जो भी फिल्मी गाने हैं वो बिना शास्त्रीय संगीत के हो ही नहीं सकता, राग बेस्ड होगा कुछ भी, बिल्कुल स्वर के बाहर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ आजकल, मैं चूंकि पंजाबी यूनिवर्सिटी डांस डिपार्टमेंट में हूँ वहाँ पे, तो मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैं म्यूजिशियन भी हूँ और एकेडमिशियन भी हूँ। तो इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि हम संगीत की जो परंपरा है उसको पूरी तरह से जोड़ते हुए, अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसको, जो नई पीढ़ी है उसको पूरी तरह से खोल के समझाएं। तो मैं कई जो राग बेस्ड गाने होते हैं उसको मैं सुना के और फिर पूरी बंदिश और पूरी सारी चीज़ें सुनाता हूँ, तो ये ऑडियंस बहुत इंजॉय करती है। और अब लोगों को रागों का नॉलेज भी बढ़ रहा है, बल्कि वो अब बीच में श्रोता बोल देते हैं कि अच्छा ये तो फलाने राग में है। ये इसलिए नहीं, हर बंदा कलाकार नहीं हो सकता, लेकिन हर बंदे के अंदर अवेयरनेस आ सकती है। और मतलब कानसेन नहीं हो सकता, कानसेन तो हो सकता है। कानसेन तो हो सकता है। मैं अभी जो हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि पहला मुस्लिम परिवार है और जो बांसुरी बजाता है, तो फिर अगर मैं आपसे एक भजन ना सुनूं बांसुरी पर, तो जो लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे वो नाराज हो जाएंगे। तो एक भजन आपके बांसुरी से जरूर सुनना चाहेंगे। मैं वो भजन आपको सुनाता हूँ जो कि कृष्ण के बिना तो बांसुरी अधूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं, हम सब लोग तो बांसुरी को कृष्ण से ही जानते हैं, जी जी, एक दूसरे के पूरक के तौर पर जानते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जो रिलीजियस को लेके जो बात होती है, जो कुछ भी होता है, तो जो जो किसी भी धर्म का मानने वाला हो, मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहला जो धर्म है वो इंसानियत धर्म। बिल्कुल है। और आज भी हमारे संगीत में कम से कम ये चीज़ जिंदा है, हमें कभी महसूस ही नहीं होता है कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि जो जिस घर में पैदा होगा उसके संस्कार उसके वैसे होंगे, तो उसको कौन रोक रहा है। लेकिन जो दिल की इच्छा है, जो जो कर रहा है उसको वो आज़ादी दो ना, उसको करने दो। बिल्कुल। तो मैं तो अपने को इस मतलब युग का रसखान बोलता हूँ अपने आप को। मैं कृष्ण भक्त हूँ और मैं डंके के चोट पे बोल सकता हूँ, किसी का को एडमायर करना, किसी को गाइडलाइन रखना, इस पर तो किसी धर्म का कोई वो नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो मैं बड़ा इस बात में गर्वान्वित महसूस करता हूँ। और मैं देखिए आपको एक ऐसा भजन सुनाता हूँ जिसमें सब कुछ आ जाएगा। बिल्कुल। Thank you.
क्या बात है। अब उसकी फरमाइश जिसका जिक्र आपने इंटरव्यू के पहले किया था कि आपने राग यमन को लेकर एक काम किया है जिसमें तमाम गाने जो राग यमन पर हैं उसको आप बजाते हैं और बजाकर बताते हैं, तो बताने का हिस्सा तो लंबा होगा, लेकिन कुछ एक मेडले सा अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बजाएं जो राग यमन पर आधारित गाने हैं, अपनी बांसुरी से अगर निकलें तो क्या आनंद आएगा हम लोगों को। जरूर जरूर सुनाऊंगा, मैं एक दो गाने सुनाता हूँ जी। एक तो यशोदास जी का गाना है, ये सुनने वाले पहचान लेंगे, मुझे दावा है मेरा। <आप बजाएं। laughs> मैं सुनाता हूँ। सबसे पहले तो संपूर्ण जो है स्वर है इसमें बिल्कुल कल्याण थाट का राग है। कई लोग यमन को कल्याण भी बोलते हैं, कोई ईमन बोलते हैं, कई लोग कुछ भी बोलते हैं, तो कुछ भी जो बोलते हैं वो स्वरों के हिसाब से बोलते हैं। इसमें कई बार जो शुद्ध मध्यम लगता है तो उससे वो यमन कल्याण भी हो जाता है। बिल्कुल। तो फिल्मों में तो ये है कि सिचुएशन के ऊपर गाने होते हैं, तो कई बार होता है कि शुद्ध राग पे नहीं होते हुए भी थोड़ी लिबर्टी संगीतकार ले लेते हैं, इसलिए हम उसको आधारित राग कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि यमन पे आधारित। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अब मैं एक छोटी सी बंदिश इस राग में बजाना चाहूंगा। जरूर। अच्छा, मैं एक छोटा सा प्रश्न और आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ आपके टेबल पे कई बांसुरी रखी हुई हैं। जी जी जी। और हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनकी संगीत में दिलचस्पी तो है लेकिन वो संगीत की तकनीकी चीजों को नहीं जानते हैं। जी 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 जी। और मेरा मकसद उनको डराना नहीं है ये बता के, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा बताएं कि ये सबसे पतली बांसुरी या उसके बाद वाली बांसुरी या ये जो आप जिससे भी आपने बजाया जब दीप जले आना, ये इसमें फर्क क्या है, क्या ये स्केल का फर्क होता है, कैसे आप तय करते हैं कि कौन सा गाना या कौन सी बंदिश आपको किस बांसुरी के साथ बजानी है, और बीच बीच में आप लोग बदलते भी हैं बांसुरी? जी जी जी। असल में होता ये है कि हर जैसे जो बड़ी बांसुरी है वो गंभीर होती है जी, और उस तरह से जो साइज होते हैं उसके हिसाब से इसके टोन अलग होते हैं। तो जो हम लाइट बजाते हैं तो उसमें छोटा फ्लूट यूज़ करते हैं, लेकिन अगर स्केल का ऐसा होता, वही मैं बात बता रहा था, मेरे चाचा जी एक ही फ्लूट से सारा कुछ बजाते थे, जी। लेकिन उस ज़माने में चलिए वो ठीक था, लेकिन अभी ज़माना जो है उसमें साउंड का बहुत इफेक्ट होता है, तो आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते हैं। तो अब सेम साइज़ की बांसुरी जो है उसका टोन चेंज नहीं होगा, तो हम दूसरे स्वरों को साम मान के बजाते हैं। आपको थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये ई का फ्लूट है, ई मतलब तीसरा सफ़ेद कहते हैं इंडियन, उसमें
अब इसके साथ को हम किसी को मध्यम को सा मान लेते हैं, किसी में हम क्या कहते हैं, किसी में ऋषभ को सा मान लेते हैं, उस हिसाब से हम बजाते हैं। अब जैसे ये फ्लूट है, अब ये बेस फ्लूट है, ये सा हो गया। अब देखिए ये सारे बांसुरी से मैं आपको एक ही राग सुनाऊंगा, लेकिन बांसुरी चेंज करूंगा और स्केल चेंज नहीं होगा। ये एक साउंड आ गया, इसके बड़े होने का ये बेस हो गया। अब ये देखिए ये मिडिल का फ्लूट आ गया, इसके पंचम को सा माना मैंने, क्या बात? अब ये देखिए साउंड चेंज हो गया। दूसरी बात क्या होती है, तकनीकी बात है कि ये छह छेद का स्वर है, कहीं पे कोई चीज मीड़ चाहिए, कुछ चाहिए, उसके लिए हमें स्वर बदलना पड़ता है, इसके लिए हम फ्लूट चेंज करते हैं। अब ये देखिए ये मिडिल से भी थोड़ा सा छोटा फ्लूट है, इसके रे को सा मान के हम बजाएंगे। अब ये सेम स्केल का जो है, ये जो बेस फ्लूट था उसी का ये हायर नोट का फ्लूट है, सेम है, ये बेस है और ये हायर नोट का, लेकिन साउंड कितना चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार हम मूर्छना करके दूसरे स्वर को सा मान के भी बजाते हैं। बिल्कुल, तो एक मेरा पसंदीदा यमन का गाना, मैं चाहता हूं कि उस गाने से जरूर, मैं जरूर ये यमन को विराम दूं। बिल्कुल, क्योंकि लता जी का बहुत ही बहुत बढ़िया कंपोजिशन है, वो सुनाता हूं आपको। जरूर, इसको मध्यम सा मान के मैं बजा रहा हूं। जी, क्या बात है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, बांसुरी का जो एक, मतलब आज के दौर में अगर हम बात करें, आज के दौर में क्या, पिछले चार पाँच सात छः दशक की बात करें, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया एक एक पर्याय है जी जी, या रोनू मजुमदार साहब हैं जी जी, इन लोगों ने, ये लोग भी प्योर क्लासिकल वाले कलाकार हैं, लेकिन बीच बीच में फिल्म में बजाते हैं। और हरिप्रसाद जी की तो जोड़ी ही थी, बहुत सारे लोग जानते हैं शिव हरि के नाम से, जिसमें पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर पे होते थे और बांसुरी पे होते थे।
तो जब आप ये इल्मी से फिल्मी का ट्रांजिशन कर रहे थे तो कहीं आपके दिमाग में ये बात थी क्या कि मतलब बड़े बड़े कलाकारों ने बजाया है और इसमें कोई बुराई नहीं है, संगीत अगर अच्छा हो तो बजाना चाहिए, वो चाहे फिल्म में हो, चाहे गज़ल में हो, चाहे ठुमरी में हो और चाहे प्योर क्लासिकल में हो? मुझे इस बात का बड़ा अफसोस था कि जो आप पाँच छः दशक की बात कर रहे हैं, जी जी, शुरुआती दौर में जो शास्त्रीय संगीत करने वाले और सुगम संगीत दोनों करने वाले कलाकार, तो शास्त्रीय संगीत तो हमारा मूल है, तो उसके बिना तो हम सोच ही नहीं सकते। पर जो क्लासिकल आर्टिस्ट सिर्फ क्लासिकल ही बजाते थे तो वो जो फिल्मी गाने इन लोगों को वो बहुत अच्छा नहीं समझते थे। तो उस जमाने में मैं मुंबई में अपना नाम बदल के रखा मैंने, एक नई चीज आपको बता रहा हूँ, नहीं मैंने सुनी है। तो मैं बॉलीवुड में मुझे सोनी दा के नाम से लोग जानते थे, तो मैंने दादा रविंद्र जैन साहब के साथ भी काफ़ी काम किया। तो मुझे अब एक बार एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दो आदमी ने जो है वो एक म्यूजिक अरेंजर थे एक कंपोजर थे, एक ने कहा कि मुस्तफा हुसैन को बुला लेते हैं, दूसरे ने कहा कि सोनी दा को बुला लेते हैं। तो मैसेंजर जो है वो कहा कि ठीक है आप ही बुला लीजिए। तो मैं मुस्तफा हुसैन पहुंच गया, वहां जाके वही सोनीदा था, तो बड़ी हंसी हुई इस बारे में। हमने कहा क्या करें, क्लासिकल के लिए जो है अपना नाम बचाने के, क्योंकि मेरा रूह तो क्लासिकल में है। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें शुरुआती दौर में कलाकारों को झेलनी पड़ी, लेकिन अब ये नहीं है, स्थिति नहीं, अब ये स्थिति नहीं है। अब आप देखिए कि जितने क्लासिकल म्यूजिशियन हैं सब कितना बढ़िया, सब पहले भी करते थे लेकिन उन वो शुरू से ही इतने एस्टैब्लिश थे, हरी जी और शिव कुमार जी इन लोग वो पहले ही से इतने एस्टैब्लिश थे कि उनके कुछ आक्षेप ही नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन जो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने वाले कलाकार उनको तकलीफ आती थी, लेकिन आज ये तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात आज भी मानना पड़ता है कि अब जैसे जो लोग फिल्मों में बजाते हैं तो आम जनता के लिए उनको लगता है कि ये बड़ा कलाकार है। मुझे पता है आपको कहीं जाना है, तो बस आखिर में दो छोटी छोटी चीज़ें पूछ नहीं रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ। जी जी। एक तो ये कि एक ऐसा कोई फिल्मी गाना आपका जो बेशक आपका बजाया हुआ ना हो लेकिन आपके पसंदीदा गानों में से हो, ये तो नहीं कह सकता हूँ कि सबसे पसंदीदा हो, क्योंकि एक कलाकार के लिए तो बहुत सारे गाने पसंदीदा होते हैं। तो एक तो वो गाना आप सुना दें, और मेरी व्यक्तिगत फरमाइश पर आप अगर वेस्टर्न सुना दें, क्योंकि उसके बिना मुझे लगता है कि बांसुरी से जो वो निकलेगा तो फिर वो माहौल ही अलग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दो चीजें आप सुनाएं तो फिर मैं आपको जरूर जरूर छोड़ दूंगा ताकि आप अगली जगह जा सके। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो मैं सबसे पहले वो अपनी पसंद का वो गाना सुना देता हूं। जरूर। उसके बाद क्योंकि वैष्णव जन के बाद फिर क्या? फिर कुछ जरूरत ही नहीं। बिल्कुल। वो हमारे लिए आज का रंग हो जाएगा। बिल्कुल। जिसके बाद फिर कुछ गाया नहीं जाता। बांसुरी पहाड़ी के लिए जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जो फरमाइश की तो मेरे पसंद वो जो है वो पहाड़ी पे आ गई है। मैं गाना बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही समझ जाएंगे। बिल्कुल समझ जाएंगे।
क्या बात, लग जा गले से फिर हंसी रात हो ना हो, मदन मोहन साहब का संगीत। जी जी जी। तो खत्म करें उससे पहले जो अगली फरमाइश थी वैष्णव जन। जी जी जी। क्या बात है, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और जाने से पहले ये वादा करके जाइए कि अगली बार जब बैठेंगे तो ये पांच बांसुरियाँ जो हमको दिखाई दे रही हैं इसके साथ तबला भी होगा। हाँ जी, और कुछ और सुनेंगे, कुछ आपसे क्लासिकल चीज़ें सुनेंगे जो आज के इंटरव्यू में रह गई, क्योंकि आज आपको भी जाना है, समय कम है। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कि आपने छोटे से समय में बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से जो आपका इल्मी से फिल्मी का कॉन्सेप्ट है वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत क्लियर किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद रागीरी से बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।